नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रियल नंबर में जो है कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करूंगा, जो भी यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है। तो गाइस जो है आप हमारे अगर जो आप हमारे वीडियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन है जो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। 867 और 255 का जो है एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है गाइज, इसका एल्गोरिथम का यूज करके। तो गाइज है 867 और 255। दोस्तों 867 है और 255 है। दोस्त तो इसी का जो है एचसीएफ निकालना है गाइस। तो सबसे पहले जो है हम इसको लिख सकते हैं 867 एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है 867 इज इक्वल टू 255 गुड़े के रूप में लिखना है प्लस, अभी हमें इसको करना है गाइस। तो हम देखते हैं कि 255 का इसमें गुणा करें, 2 3 6, मान लीजिए 3 का करते हैं, 3 5 15 1 3 5 15 1 16 और 3 2 6 1 7, कितना आता है दोस्तों, 3 5 15 3 5 15 1 16 3 2 6 1 7। तो इसमें में से जो है हम घटा देंगे इसको 867 में से, 867 में घटा देंगे, 17 5 7 में से 5 गया 2, इधर 0 बचा, सॉरी इधर 5 बचा, 15 से 6 गया 9। ये तो दोस्तों यहां जो है 92 हम लिख सकते हैं, 92 एचसीएफ इसका है 867 का, 92 यहां पे। अभी जो है हम इसको 255 और 92 के रूप में लिखेंगे इसको, 255 को जो लिख सकते हैं 92 गुड़े के रूप में, उसके बाद प्लस जो है कुछ ऐड करना है, देखते हैं, कम से कम 2 बार तो गुणा होगा ही। तो इसका आता है, इसको जो है घटा देंगे इसमें 255 में से, तो 2 2 4 और 2 9 18 घटा देंगे 1 15 से 8 गया 9 सॉरी 7, ये 71 बचा। तो गाइज देख सकते हैं इसको जो है इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में इसको सेट कर रहे हैं गाइज, 255 को 92 गुणे 2 प्लस 71 51 7 और जो है 0। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 92 को लिख सकते हैं 71 के फॉर्म में गुड़े और प्लस के रूप में। आप यहां देख सकते हैं कितना बचेगा इसमें 1, तो 92 हुआ। अब यहां से 92 से जो है 71 घटा देंगे, 1 आया, यहाँ पे 2 आया। तो दोस्तों यहाँ पे जो बी है 1 देख सकते हैं आप, 92 इक्वल टू 71 इंटू 1 प्लस 21। तो दोस्तों अब इसको हम लिखेंगे 71 इज इक्वल टू
21 के फार्म में लिखेंगे इनटू उसके प्लस 21 63, अब प्लस यहां पे जो है 71 से जो है 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11 8, यहां पे गाइस 8 आ गया, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है उसके बाद जो है 21 को जो है हम लिख सकते हैं 8 के फार्म में 8 × 2 + 16 = 5, इसके फार्म में लिख सकते हैं दोस्त। अब जो है एट को लिख सकते हैं 5 × 1 + 3, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अब इन दोनों को लेंगे 5 = 3 × 1 + 2, अब इन दोनों को लेंगे 3 = 2 × 1 + 3, उसके बाद जो है सॉरी +1, अब जो है इसको लिखेंगे 2 = 1 × 1। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 2 = 1 × 1 + 1, उसके बाद जो है 1 = 1 × 1 + 0। तो गाइज आप देख सकते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है, यानी इसमें कोई हाईएस्ट मतलब कोई कॉमन नहीं है, केवल 1 ही जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, इतना सॉल्व करने के बाद ही तब जाके 1 आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 867 and 255 = 1। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है।
के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। जहां Q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों जो इसको हमको सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसी को हमको दोस्तों सिद्ध करना है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, मान लिया हल a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। तो दोस्तों यहां पे लिख सकते हैं कि बाय यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार जो है 0 <r=r>b, यानी कि विषम के रूप में दोस्तों r का वैल्यू जो होता है r बराबर हो सकता है 1, 3, 5। यहां पे r बराबर 1, 3, 5 के लिए जो हो सकता है, क्योंकि 0 <r=r और <b, और यह b से छोटा भी है। तो इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6q+1 एंड a बराबर 6q+3 एंड a इज इक्वल टू 6q+5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। मान लिया कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। तो इसमें दोस्तों हम जो है, क्योंकि r जो है हमेशा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जो होता है वह 0 से लेकर के b से छोटा हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, या b से, जो भी हम 6 मान लिए हैं, b से छोटा होता है। तो चूंकि a मेरा विषम है, तो r जो है हमारा रिमाइंडर जो भी आएगा, तो वह रिमाइंडर जीरो से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगा गाइस। तो क्योंकि हमारा जो पूर्णांक विषम है, तो यहां पे 0 तो 0, 2 तो आएगा नहीं, तो 1, 3, 5 ये हमारा रिमाइंडर आ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+5, क्योंकि यहां पे मान लिया गया है कि हमारा विषम पूर्णांक है, 6q+1 विषम पूर्णांक है, तो a हमारा विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों विषम हमेशा जो है वो 0, 2 करके रिमाइंडर नहीं आ सकता, वह 1, 3 और 5 करके रिमाइंडर आ सकता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, इसके तर्क से, बाय द यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के तर्क से जो है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 600 किसी परेड में
616 सदस्य वाली एक सेना है, आर्मी की टुकड़ी है, टुकड़ी आर्मी सेना है। इस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी किसमें स्तंभों की संख्या क्या है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किसी परेड में 616 आर्मी सेना है, किसी परेड में, परेड जो सब टोटल जो है सेना की संख्या जो है 616 है, और सेना की आर्मी की टुकड़ी को जो है 13 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले जो है एक बैच बनाना है, उसको जो है एक बैंड के पीछे उसको मार्च करना है। 32 सदस्य आ रहे हैं, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो गाइस इसमें सिंपल सा है, 616 और 32 जो है सदस्य हैं, इसमें स्तंभ मुझे निकालना है, तो SCF इस कॉमन फैक्टर का यूज करके निकाल सकते हैं। गाइस जो है यूक्लिडियन बाय डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके निकाल सकते हैं 616 और 32। तो गाइस जो है हम लिख सकते हैं 616 जो है ये, इसको हम लिख सकते हैं 32 के रूप में गुणे 32 जो है इसका डिवीजन कर देंगे इसमें 616 का, इसमें 32 का, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 और 16 उसके बाद फिर 4 से काट देंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है 77 टाइम्स जा रहा है और प्लस जो है रिमाइंडर मेरा 4 आ रहा है। तो दोस्तों जो है इसका इसमें जो हम गुणा करेंगे 32 का, तो 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 22 = 23, क्योंकि ये गुणे 19 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आ रहा हमारा 608। अब 616 में से 608 घटा देंगे, 16 में से 8 गया 0, ये मेरा 8 आ रहा है गाइस। ये दोस्तों 8 आ रहा है। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं 32 = 8 × 4 + 0। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा यहां पे 0 आ गया, यहाँ पे बाय इक्विटी यूज करके डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आ गया मेरा 4 रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मेरा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो मेरा 8 है। तो यहाँ पे एचसीएफ जो है, एचसीएफ लिख सकते हैं ये मेरा 8 है 616 और 32 के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन का वो है कि इसमें कितने स्तंभों की, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, यानी कि लिख सकते हैं कि स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 होगी।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है हम ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें 32 सदस्यों का जो टुकड़ा है उसमें हाईएस्ट कॉमन जो है हमारा 8 आ रहा है, तो इसमें जो है 8 स्तंभों की संख्या होगी। क्योंकि 32 जो है सैनिक इसमें यूज हो रहे हैं इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 8 आ रहा, तो जो है वो 8 ही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए थ्री एम या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। संकेत में दिया है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनको 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इसको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे। इसमें मान लिया x एक धनात्मक पूर्णांक है तथा और यह 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों हम मान लिया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3m 3q, इसमें मान लिया x की धनात्मक पूर्णांक है जो 3m के रूप में लिखा जा सकता है, या इसमें और भी मान लिया x एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है तो दोस्तों जो है इसको हम सिद्ध करेंगे। तो x मेरा जो है धनात्मक पूर्णांक है जो 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3q, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का तो 9q² हो गया। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर 3 × 3q x² जहां 3q x² जो है आप समझ सकते हैं कि एक यम के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 3q एक धनात्मक पूर्णांक है जहां यम बराबर 3q² धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 × m। तो दोस्तों एक देख सकते हैं एक सिद्ध हो गया ये एक। अब हमको सिद्ध करना है दोस्तों कि ये सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया। यदि मान लिया x बराबर 3q है, इसमें मान लिया x बराबर 3q+1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे इसका स्क्वायर करने पे आएगा 9q² + 6q+1। इसको लिख सकते हैं 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3q² + 2q+1। आप देख सकते हैं 3q+2q जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। गाइज आप देख सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं कि जहां 3q x² + 2q एक धनात्मक पूर्णांक है
धनात्मक पूर्णांक है तो इसको लिख सकते हैं 3m+1, यानी 3q+2 जो है एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसको लिख सकते हैं 3m+1। तो दोस्तों जो है ये मेरा एक ये भी सिद्ध हो गया। उसके बाद जो है हम मान लेते हैं x बराबर 3q+2 भी होता है, तो दोस्तों मान लिया x बराबर 3q+2 है, तो इसका स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर आएगा 9q² 3 × 6 = 12, 12q+4। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 3 कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा गाइस इसमें ट्रिक है क्योंकि इसमें एक लाइन और हम लिख दे रहे हैं 9q² + 12q + 3+1। इसको तो दोस्तों इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसमें जो है हम कॉमन ले लेंगे, इसमें लिख सकते हैं 3q² + 4q + 1 और +1 इसको इसमें रहने देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यहां पे लिख सकते हैं 3q² + 4q + 1 एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसको लिख सकते हैं 3m+1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन है निकालने का मकसद है कि x² जो है के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि इसको कि m कोई पूर्णांक है जिसको 3 कोई एक धनात्मक पूर्णांक है x जो m के रूप में 3m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो गाइस जो है ये हमारा सॉल्यूशन है। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।